दोस्तों यह है भूटान से सटा असम का चिरांग जिला जो कि 1170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह असम राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में एक प्रशासनिक जिला है और यहाँ की अनुमानित आबादी 5,40,000 लोगों की है, जिसमें की 66.50% हिंदू, 22.66% मुस्लिम, वहीं 10.32% मसीही समुदाय के लोग निवास करते हैं। चिरांग की आबादी में 37% जनजाति लोग रहते हैं और यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 970 महिलाएं हैं। चिरांग का ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बोडो, बंगाली, उसके बाद ही असमिया और दूसरी भाषाएं बोली जाती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि चिरांग शब्द बोडो शब्द चिरांग या सिरांग से लिया गया है। सी का अर्थ है जीवन और रंग का अर्थ है धन। चिरांग जिला का मुख्यालय काजल गांव में स्थित है और यह टाउन बंगाईगांव से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके साथ ही बंगाईगांव रिफाइनरी, धाली गांव, बिजनी और बासु गांव यहां के टाउनशिप एरिया हैं। चिरांग की जलवायु मध्यम है, गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है और सर्दियों में यह फिर से काफी शुष्क हो जाता है। चिरांग का औसत वार्षिक तापमान 33 डिग्री है। चिरांग के उत्तर में पड़ोसी देश भूटान, पश्चिम में कोकराझार जिला, दक्षिण में बंगाईगांव, वहीं पूर्व में बक्सर जिला स्थित है। यह क्षेत्र निचली ब्रह्मपुत्र घाटी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ का वातावरण उपोष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्म और चिपचिपी ग्रीष्मकाल और उसके बाद शुष्क और ठंडी सर्दियां होती हैं। चिरांग जिला पूर्वी डुआर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें संकोष नदी और मानस नदी के बीच का क्षेत्र शामिल है। इतिहास पर नजर डालें तो 17वीं सदी की शुरुआत से वर्तमान चिरांग जिला भूटान साम्राज्य के नियंत्रण में था। 1865 में दुआर युद्ध तक जब ब्रिटिश ने भूटानी प्रभाव को हटा दिया और बाद में 1949 में इन क्षेत्रों को भारतीय संघ के अविभाजित गोवालपारा जिला में मिला दिया गया। 1990 में चिरांग जिला मानस राष्ट्रीय उद्यान का घर बन गया, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। यह पार्क को 4 अन्य जिलों के साथ साझा करता है। चिरांग जिला को 2004 में बोंगाईगांव जिले से अलग करके बनाया गया है। भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा गेल्फू चिरांग के मुख्यालय काजलगांव से 41 किलोमीटर दूर स्थित है। चिरांग में घूमने और देखने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं। नंबर 5 कालामट्टी गेट, नंबर 4 बोझोरा वाटरफॉल, नंबर 3 निजीरा इको पिकनिक स्पॉट, नंबर 2 भूमेश्वर वैली एंड हिल, नंबर 1 मानस राष्ट्रीय उद्यान। चिरांग से होकर प्रमुख राजमार्ग 27 गुजरता है, जो इसे सिंगापुर से इस्तांबुल तक कनेक्ट करता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत से भूभाग की ओर निकलने वाली रेल लाइन बिजनी तथा न्यू बंगाईगांव जंक्शन द्वारा इसे भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने का काम करती है।